नमो नमः। अद्य वयं दशमी कक्षायाः सत्बुद्धि मतस्य कथा इति त्रयोदशमः पाठः पठामः। अहमस्य गद्यांशस्य अनुवाचनं करोमि। सर्वे ध्यानेन श्रुण्वन्तु पश्यन्तु च। कस्मिंश्चित् जलास्य सत्बुद्धि सहस्रबुद्धिश्च द्वयो मतस्यो निवसतः स्मः। अथ तयो एकः बुद्धि नाम मंडुको मित्रतां गतः। एवं ते त्रयो अपि वेलायां कश्चित् कालं सुभाषित गोष्ठी सुखम अनुभूय भूयो अपि सलिलं प्रविशन्ति। प्रिय छात्रों, इस गद्यांश का आप एक या दो बार और अनुवाचन कर सकते हैं। वाचन के बाद में सबसे मुख्य बात आती है संदर्भ की। संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संदर्भ के अंदर ये देखा जाता है कि ये गद्यांश है, जो प्रस्तुत ये गद्यांश है, ये कहां से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, तथा ये जो पाठ है ये पाठ भी किसी ग्रंथ से लिया गया है तो उस ग्रंथ का नाम देखना होगा, और फिर वो ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है, वो उस लेखक का नाम। तो यहां पर अपन संदर्भ के अंतर्गत, अब हमारी साथ यह है कि अपने जैसे संस्कृत शिक्षा विद्यालय सु माध्यम संस्कृतम वर्तते, अतः संस्कृत माध्यम में इसको कैसे लिखेंगे ये हमको देखना बड़ा आवश्यक है। तो देखते हैं संस्कृत माध्यम से संदर्भ को लिखना। प्रस्तुतो यम गद्यांश अस्माकं पाठ्य पुस्तक काव्य कौमुद्य, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम काव्य कौमुद्य है, अतः अस्माकं पाठ्य पुस्तक काव्य कौमुद्य सत् बुद्ध्यादि मतस्य कथा नामक पाठात अस्मिन् पाठात उद्धृतो अस्ति। अयम पाठ है, अयम पाठ है पंडित विष्णु शर्मा विचितस्य पंचतंत्रस्य अप्रक्षित कारक तंत्रात उद्धृतो अस्ति। और ये जो पाठ है ये पंचतंत्र के अप्रक्षित कारक से लिया गया है, और जिनके रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा महोदय। संदर्भ के बाद में बात आती है प्रसंग की। अब कभी क्या होता है, प्रसंग के अंतर्गत हमको क्या लिखना रहता है कि जो प्रस्तुत गद्यांश है इसमें किसके बारे में वर्णन है, केवल इतना लिखना है। इसको भावार्थ के रूप में ज्यादा नहीं लिखना है, केवल ये बताना है कि जो गद्यांश है प्रस्तुत इसमें किसकी कथा वर्णित है या किसके बारे में इसका वर्णन है। तो अस्मिन् गद्यांशे सत्बुद्धि सहस्रबुद्धि इति मतस्य द्वय कथा वर्णनीयमस्ति इति। छात्रों, की जो संदर्भ होता है ये एक पाठ के अंतर्गत जितने भी गद्यांश होंगे दो या चार, तो उन सबका एक जैसा ही होगा, क्योंकि संदर्भ एक पाठ में एक जैसा ही रहता है। अब हम सुविधा की दृष्टि से संदर्भ और प्रसंग के जान लेने के बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसलिए मैं संदर्भ और प्रसंग को मिटा देता हूं और व्याख्या लिखना आरंभ करता हूं। देखिए छात्रों, कस्मिंचित जलाशय, कस्मिंचित अर्थात एकस्मिन, जलाशय अर्थात सरोवरे अर्थात तड़ागे, व कस्मिंचित जलाशय मतलब किसी तालाब में सत्बुद्धि सहस्त्र बुद्धिश्च द्वयो मतस्यो निवसत स्म। सत्बुद्धि यानी एतद नाम का मतस्य, सत्बुद्धि नाम की मछली, सहस्त्र बुद्धिश्च एतद नाम का भी, अतः सहस्त्र बुद्धि नाम की एक मछली, उभौ दोनों ही मछलियां उसमें रहती थी, किसमें रहती थी, सरोवर में, एक सरोवर में सत्बुद्धि नाम की और सहस्त्र बुद्धि नाम की दो मछलियां रहती थी। अतः इसके बाद तयो एक बुद्धि नामक मंडुको मित्रताम गत है। तयो, तयोर एक है, यहां पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा तयो एक बुद्धि नाम है। तयो अर्थात उक्तयो मत्स्यो, उक्त मत्स्यो मछलियों के नाम है सत्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि, तो तयो अर्थात मत्स्यो सत्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नाम की मछलियां हैं उनकी, एक बुद्धि नामक है, एक बुद्धि नाम का अर्थात एक बुद्धि नाम एक मेंढक का नाम है, उसके साथ मंडुको दरदूर है मेंढक के साथ मित्रताम गता मैत्री हो जाती है। उन दोनों मछलियों की एक बुद्धि नाम के मेंढक के साथ उनकी मित्रता हो जाती है। एवं इस प्रकार ते त्रियोपी मत्स्य मंडुका, त्रियोपी अर्थात उक्त मछलियां और मंडुक, वेलायाम, वेलायाम भवति जलाशय तीरम अर्थात जल की तीर पर आकर के,
किंचित कालम ईषत कालम, ईषत कालम यानी जितनी वो इच्छा थी जितनी देर तक, सुभाषित गोष्ठी सुखम अनुभूये, अर्थात सुभाषित गोष्ठी सुखम यानी काव्य आलापम कृत्वा। अपन जानते हैं जैसे कक्षा में भी दो मित्रता हो जाती है तो दो मित्र बैठ करके आपस में बातें करते हैं, उसी प्रकार वो जो मछलियां और वो मेढक थे वो इसकी सरोवर की तीर पर आकर के और अपने आप वार्ता करते थे और सुख का अनुभव करते थे, आनंद की अनुभूति करते थे। भूयोपी और बाद में पुनः सलिलम प्रविशंति, सलिलम अर्थात जलम, प्रविशंति अर्थात गच्छंती। तो इस प्रकार ही सार होता है कि एक जल के अंदर सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नाम की दो मछलियां रहती थी, जिनकी एक बुद्धि नामक इस मंडूक के साथ मित्रता हो जाती है। इस प्रकार वो तीनों मिलकर के जल की तीर पर आकर के वार्ता करते हैं आपस में और सुख का अनुभव करते हैं और पुनः जल में चले जाते हैं। इस प्रकार वो आनंद की अनुभूति से रहते हैं। व्याख्या के उपरांत हम एक बार इसका देख लेते हैं सार रूप में, संस्कृत का सार रूप देखते हैं कैसे लिखेंगे। एकस्मिन् सरोवरे सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि नामक द्वयमतस्यो वसति स्मः। मतस्यो एक बुद्धि नामक मंडुकेन सह मित्रतां जातः। ते मतस्य मंडुका जलाशय तीरम आगत्ते ईषत काल यावत् सुभाषित काव्य आलापम कृत्वा सुखम अनुभूये पुनरपि जलम मध्ये प्रविशन्ति इति। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कुछ व्याकरणात्मक दृष्टि से कुछ शब्द है जिसमें जैसे संधि है, कुछ प्रत्यय के लिए हैं, तो यहां पर मैं इसको लिख के और मिटा करके देखता हूं। व्याकरण में देखिए प्रकृति और प्रत्यय जैसे है मित्रताम, मित्रताम अर्थात यहाँ पर जो मित्र शब्द है और वहां पर तल प्रत्यय आता है और सबको तो मित्रता, ताप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा मित्रता और फिर द्वितीया में अम्ब और जोड़ेंगे तो मित्रताम, यहाँ पर मित्र में हो गया तल प्रत्यय। उसी प्रकार गत है तो गम धातु से कतः प्रत्यय हो गया। अनुभूये अनुभू और धातु से कत्वा प्रत्यय, कत्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी धातु के पूर्व उपसर्ग लगा हुआ होता है तो कत्वा के स्थान पर लेप हो जाता है, इसलिए बना अनुभूये। तो अनुभू कत्वा, कत्वा के स्थान पर हुआ लेप अनुभूये। इसी प्रकार संधि कार्य है भूयो अपि, भूये प्लस अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि है और विसर्ग को पूर्व रूप करेंगे और उत्तु संधि करके पूर्व रूप कर देंगे तो यह बन जाएगा भूयोपि, और जैसा भूयोपी है वैसा ही त्रियोपी है, त्रय प्लस अपी, यहाँ पर वही विसर्ग संधि है उत्तु करके पूर्व रूप करेंगे तो ये भी बन जाएगा त्रियोपी। तो ये तीन प्रकार की सिद्धियां हैं। तो आज हमने ये पूरा ये पैराग्राफ अपन ने, ये सॉरी पूरा ये गद्यांश हमने पढ़ा और उसके बाद में अब आगे का जो गद्यांश वो हम कल देखते हैं। धन्यवाद।